मिलन आप बड़े हो, आकाश आप छोटे हो, आप दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है फिजिकली? स्ट्रॉन्ग आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो आकाश ज्यादा स्ट्रॉन्ग? ऑब्वियसली मैं ही हूँ। ऑब्वियसली मैं हूँ। ऑब्वियसली क्या इसमें? नहीं सर, मैं अपने आप को बोलूँगा, मैंने तो करी है मेहनत। तुम दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट मिलन एंड आकाश, आप लोग बहुत अलाइक हो, राइट? कोई भी शो वो दो एक जैसे लोगों को नहीं लेके जाएंगे। सर जितना मैं मरा हूं ना इस शो के लिए, जितना ज्यादा मैं मरा हूं इस शो के लिए, मुझे नहीं लगता इतना कोई भी मरेगा। कंपटीशन बढ़ाते सर, अलग अलग गैंग में ले लो। सर एक चांस दो प्लीज। सर चांस तो एक ही है, तू बता दे, अपने मुंह से बता दे कि इसको रहने दो, मेरे को ले जाओ। उसको क्यों लेकर आए ऑडिशन पर? मैंने इसको नहीं बोला मेरे साथ चल। तो साथ क्यों खड़े हो यहाँ पे तुम लोग लाइन में भी? एक साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इसने बोला कि अगर तू इसलिए बाहर निकला तेरा कंपटीशन नहीं था, लोग सोच रहे थे तू तो फाड़ देगा, मैं दूंगा तेरे को टक्कर। और मुझे क्यों डर है, मुझे तो कंपटीशन ही चाहिए, और इससे तगड़ा कंपटीशन मेरे पास है नहीं। इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है मिलन कि नहीं है? मैम रोज हर चीज में कंपटीशन है, हर चीज में। वो नहीं होता ना मिलन। गाइस कंपटीशन तुम्हारे दिमाग में इतना ही है, तुम्हारे ना कुआं इतना सही है मिलन। कंपटीशन ये है कि जिसने पहले 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम पहले बता दिया वो जीत गया टास्क, और वो आगे चले गया, बाकी हार गए, तो क्या करोगे तुम? एंड यू बीन देयर, यू सीन दैट जितना मर्जी तू स्ट्रांग हो जाते तेरे को निकाल देगा। 3 साल के लिए तू प्रिपेयर करके आया ना, 3 साल के लिए तेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी है कि मैं जाऊंगा वापस रोडीज में और जीत के आऊंगा। सर मैं जी के आऊंगा, जीतना मैं पहले आया था एक माइंड सेट से, टास्क करूंगा और जीत जाऊंगा, इस बार मैं जीने के लिए आया हूँ। मिलन वो तुझे आई मेक इट इजी फॉर ऑल। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे पहले वोट आउट होता है उसको तो यही लगता है ना कि मेरे जर्नी नहीं हुई। अगर उनको एक बार ऐसा लगे तो वो सब आके लाइन में खड़े होने लग पड़ेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिकमिंग अ रोडी? जीरो। मिलन थ्रू दिस प्रोसेस यू कांट गो ऑन द रोडी जर्नी। तेरे जर्नी जीनी है ना रोडीज पर, वापस आके लाइन में लगकर ऑडिशन देकर तेरे को हम नहीं ले सकते। अगर कोई होप है ऑन रोडीज इज वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, जहां पर हम बिना ऑडिशन के लोगों को लेकर आते हैं। इट्स ग्रेट कि आपने अपने भाई को अपने जैसा बनाया या उसमें वो आग डाली। आई थिंक दैट वाज योर पर्पस फॉर द रोडीज ऑडिशन दिस ईयर, कि आप अपने भाई को यहां तक ले गए। ओके बेस्ट ऑफ लक सर प्लीज। अरे रहने देना सर, मैं आज ऐसा खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, प्लीज़ आपको इतनी मेहनत तो दिख रही होगी, क्योंकि मैं सच में कुछ नहीं था और इसने मुझे बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ सिखाया, और सर हम दोनों एग्जांपल बन सकते हैं सर, मुझे लगता है। सी प्लीज़, मैं ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है ना हम कर सकते हैं सर, दोनों भाई खेल जाएंगे सर। सर हम आकाश जो तू बातें बोल रहा है ना, ये हम जो भी यहाँ पे आता है ना रोडी, जो भी बनना चाहता है उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ लोग अब इसको देख के इंस्पायर होंगे कि यार ये वापस आके इसमें और भी इंप्रूव हो गया, ये किया वो किया, भाई को लेकर आया, भाई को बनाया, राइट? शेर यार समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या है। खेल लूँगा मैं, टेंशन मत ले तू।